राजस्थान के करौली की करेंगे। करौली में सांप्रदायिक हिंसा के बाद अब पीएफआई कनेक्शन की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक ऐसा खत सरकार को मिला था जिसमें करौली जैसे हिंसा की आशंका जताई गई थी। यह खत पीएफआई की तरफ से लिखा गया था। सवाल यह है कि करौली की घटना क्या सोची समझी साजिश का नतीजा थी? ना तो अभी करौली में हुई हिंसा के जख्म भरे हैं और ना ही यहाँ भड़की आग अभी पूरी तरह से ठंडी पड़ी है। इस बीच एक चिट्ठी ने करौली की घटना पर राजस्थान में हो रही सियासत को और थदका दिया है। 1 अप्रैल यानी करौली हिंसा से ठीक एक दिन पहले राजस्थान सरकार को ये चिट्ठी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की तरफ से भेजी गई थी, जिसमें शोभा यात्रा की आड़ में हिंदू संगठनों पर हिंसा फैलाने की आशंका जताई गई थी। करौली की हिंसा के बीच पीएफआई की चिट्ठी सामने आने से पूरी घटना पर नया विवाद छा गया है। पीएफआई का नाम आते ही पूरा मामला और गर्मा गया। पहले वहाँ सिमी की एक्टिविटी हुआ करती थी जो बैन हो गई, और उस सिमी का जो राष्ट्रीय तत्व है वो आजकल पीएफआई से जुड़ गए, और पीएफआई वहाँ एंटी सोशल एंटी नेशनल एक्टिविटी चलाती है। तो योजना पीएफआई की थी, और पीएफआई जो इल्जाम लगा रही है सरकार पर, तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए पीएफआई के खिलाफ। अशोक गहलोत जी की तुष्टिकरण की नीति है, उसके कारण इन्होंने इस चीज को बहुत हल्के में लिया। कानून व्यवस्था प्रदेश में पहले से ही बिगड़ी हुई है, सरकार 2 खेमों में बंटी हुई है, और खुद गृह मंत्री का जो काम है खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं। इसलिए मेरा साफ साफ कहना है कि गृह मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी करौली की हिंसा में पीएफआई एंगल जोड़कर गहलोत सरकार पर आरोप लगा रही है। करौली की हिंसा को कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण वाली नीति का नतीजा बता रही है। राजस्थान पीसफुल स्टेट है, लेकिन जब जब कांग्रेस की सरकार आती है तो इस पर नजर लगती है, और कांग्रेस पार्टी के संरक्षण में जिस तरीके से सिमी की गतिविधियां होती थी, और मुझे लगता है कि पीएफआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन को कोई संरक्षित करता है तो राजस्थान का मुख्यमंत्री करता है, छूट उनको वही देता है, और उसी कारण उनके हौसले बुलंद हो। गहलोत साहब तुष्टिकरण के राजस्थान के सबसे बड़ा प्रणेता हैं, तो उनसे आशा नहीं की जा सकती। लेकिन पीएफआई, मैं आपके चैनल के जरिए गहलोत साहब को सावचेत करना चाहता हूँ, पीएफआई राजस्थान के माहौल को बिगाड़ना चाहती है। पीएफआई को कंट्रोल करें, उनके नेताओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें, वरना स्थिति विकराल हो जाने वाली है। करौली हिंसा की लगातार नई तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो इस आशंका को मजबूत कर रही है कि यह हिंसा किसी सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। पुलिस अब तक इस केस में 46 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, और आरोपियों से पूछताछ कर करौली की घटना के पीछे पूरी प्लानिंग का खुलासा करने की कोशिश में जुटी हुई है। राजस्थान के करौली में हालात फिलहाल नियंत्रण में हैं, लेकिन हिंसा को लेकर गहलोत सरकार विरोधियों के निशाने पर है। तनाव के बीच सीएम अशोक गहलोत बार बार दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिला रहे हैं। हरकत करी है जिन्होंने, ये दंगे भड़काने का प्रयास किया है, इसके पीछे कौन हुई ताकत थी, उन सबको आप उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो। चाहे कोई कौम हो, कोई धर्म के लोग हो, उनमें मैसेज आना चाहिए कि राजस्थान में कानून का राज ही स्थापित रहेगा। लेकिन सरकार के इस भरोसे के बीच पीएफआई का नाम आने से राजस्थान में सियासत और गर्मा गई है। पीएफआई के बहाने कांग्रेस पार्टी बीजेपी के निशाने पर आ गई है। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।